हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आर के साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीनियल ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि की? बच्चों, पीनियल ग्रंथि की बात करने जा रहे हैं। और अब तक हमने सबसे पहले बात की है बच्चों हाइपोथैलेमस की। हमने जो ग्रंथियां पढ़ी हैं उसमें पहली जो ग्रंथि पढ़ी है बच्चों, वो हमने पढ़ी है हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चों। और इसके बाद दूसरी हमने बात की है पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी बच्चों? पिट्यूटरी ग्रंथि, या जैसे आप कहें पीयूष ग्रंथि। और इस वीडियो में हम तीसरी ग्रंथि स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों? पीनियल ग्रंथि। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, ये तीनों ग्रंथियां मानव के मस्तिष्क में स्थित होती हैं। कहाँ स्थित होती हैं बच्चों? हमारी खोपड़ी में स्थित होती हैं, मस्तिष्क में स्थित होती हैं। तो पीनियल ग्रंथि, इसको अंग्रेजी में पीनियल ग्लैंड कहेंगे बच्चों। और इसी ग्रंथि को कहते हैं एपीफाइसिस सेरिब्राई। क्या कहते हैं बच्चों? एपीफाइसिस सेरिब्राई, एपीफाइसिस सेरिब्राई, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पीनियल ग्रंथि को, जो कि हमारी 11th जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 22 जो है, जो कि नीट में है और 11th में हट चुका है, उसके लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और इस ग्रंथि में हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जो है हमारे पास पीनियल ग्रंथि का। किसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? पीनियल ग्रंथि का, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम, ये लीजिए, हम जैसा कि प्रत्येक ग्रंथि में हमने किया है, क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम पढ़ते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति की, कि वो ग्रंथि कहाँ स्थित होती है और कहाँ स्थित नहीं होती है। तो देखिए बच्चों, ये जो है पीनियल ग्रंथि, वो अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय या ऊपरी भाग में, कौन से? पृष्ठीय या ऊपरी भाग में स्थित होती है। अग्र जो मस्तिष्क है हमारे पास, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो मस्तिष्क है उसको तीन भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्यम मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है उसके पृष्ठीय भाग में, यानी कि ऊपरी भाग में पाई जाती है। फिर क्या कह रहा है बच्चों? मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच हमारा मस्तिष्क, अगर हम ऊपर से देखें बच्चों, हमारी खोपड़ी को ऊपर से देखा जाए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये मेरी खोपड़ी है, तो इस साइड से देखा जाए तो हमारी जो मस्तिष्क है वो दो गोलार्धों में है, यानी मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध। इनको क्या कहते हैं बच्चों हम? इनको कहते हैं गोलार्ध, ठीक है बच्चों, के बीच में स्थित होती है। इन दोनों गोलार्धों के बीच में स्थित होती है बच्चों। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको थैलेमस से। अब इसको बच्चों, एक मिनट, ये फोटो कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। थैलेमस से निकले एक खोखले ग्रंथ पर स्थित सफेद व चपटी ग्रंथि है। थैलेमस से यहां पर है बच्चों निकले, थैलेमस से निकले एक खोखले ग्रंथ पर स्थित सफेद रंग की और चपटी ग्रंथि है। ये इस फोटो में बच्चों आपको मैं दिखाता हूं, ये जो ग्रंथि है बच्चों, ये मैं ब्लैक कर देता हूं बच्चों, सबसे बढ़िया, ये आपको जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है बच्चों, इसे हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों? पीनियल ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं बच्चों? पीनियल ग्रंथि। तो ये क्या कहाँ है? कि अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय या ऊपरी भाग में। ये हमारा पूरा अग्र मस्तिष्क होता है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है, आधा फोटो लिया नहीं है मैंने, ये पूरा हमारे पास क्या है? अग्र मस्तिष्क है, आगे वाला मस्तिष्क है। और इसी में ये भाग भी कहाँ आता है बच्चों? ये जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस वाले भाग हैं, ये भी अग्र मस्तिष्क में ही आते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय यानी कि ऊपरी भाग में है, मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं, जो प्रमस्तिष्क के हमारे पास गोलार्ध हैं, इन दोनों के बीच में है, क्योंकि एक साइड आपको दिखाई दे रही है और इसके आगे वाली साइड आपको दिखाई नहीं देगी। थैलेमस से निकले एक ग्रंथि पर, ये थैलेमस है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम? इस एरिया को कहते हैं हम थैलेमस, इसके नीचे वाले एरिया को कहते हैं हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर बच्चों होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि होती है बच्चों? पीयूष ग्रंथि होती है। और इसके पीछे की तरफ क्या है बच्चों? एक ग्रंथ है, उससे जुड़ी हुई कौन है? पीनियल ग्रंथि है। तो ये है बच्चों इसकी स्थिति। फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों ये भी क्या है उत्पत्ति में? ये भी एक्टोडर्मल है।
इसकी उत्पत्ति भी किससे हुई है बच्चों? एक्टोडर्म से हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है बच्चों? एक्टोडर्म से। आपको याद होगा कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, माता के शरीर में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, गैस्ट्रुला अवस्था में होते हैं, तो होता क्या है कि तीन परतें पाई जाती, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उन तीनों परतों से ही हमारे संपूर्ण शरीर का, हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों का निर्माण होता है। इसी में हम बात कर रहे हैं कि जो पीनियल ग्रंथि है उसका निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म नामक परत से होता है। और आपको याद भी होगा बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ये भी किससे बनी थी बच्चों? ये भी एक्टोडर्म से बनी थी। आज पढ़ रहे हैं हम पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों? पीनियल। ये भी किससे बनी है बच्चों? ये भी एक्टोडर्म से बनी है। ठीक है बच्चों, आपको याद रहेगा पीयूष और पीनियल दोनों किससे बनी है? एक्टोडर्म से। इसके बाद वाली जो ग्रंथियां आएंगी वो आएंगी एंडोडर्म से। तो ये हो गई बच्चों स्थिति, कहाँ स्थित है? अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय या ऊपरी भाग में स्थित होती है, और ये मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच में और थैलेमस से निकले एक ग्रंथ पर, या थैलेमस से निकले एक ग्रंथ पर स्थित होती है। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज क्या कह रहा है बच्चों? चलिए अब देखिए बच्चों, यहां हम बात करेंगे इसकी संरचना की। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों स्थिति, कि वो ग्रंथि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां पर स्थित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं संरचना की। तो संरचना में हम देखते हैं बच्चों, ये जो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, मान लीजिए ये पीनियल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है बच्चों? पीनियल ग्रंथि है। तो इसमें जो पीनियल ग्रंथि है उसमें दो प्रकार की सेल्स यानी कि कोशिकाएं, सेल्स यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की। एक तो होती है इसमें पीनियलोसाइट्स। बच्चों साइट्स जहां पर आ जाए ना आपको पीछे नजर, साइट्स का मतलब ही होता है कोशिकाएं, सेल्स। तो पीनियलोसाइट्स, और ये कहां स्थित हैं? पीनियल ग्रंथि में स्थित हैं, इसलिए इनको कहेंगे पीनियलोसाइट्स। यानी कि ये कुछ कोशिकाएं हैं पीनियल ग्रंथि के अंदर, कुछ कोशिकाएं पाई जा रही हैं, दो प्रकार की हैं। ये जो कोशिकाएं मैंने बनाई हैं बच्चों, ये हैं हमारे पास पीनियलो, पीनियलो साइट्स। अब ठीक है बच्चों, ये तो हो गया इसका नाम। अब ये है क्या चीज वास्तव में? तो ये वास्तव में है तंत्रिका कोशिकाओं के रूपांतरण से बनी कोशिकाएं। मतलब ये जो पीनियलो साइट्स हैं बच्चों, ये एक प्रकार की न्यूरॉन्स ही हैं। एक प्रकार की क्या है? न्यूरॉन्स ही है। उन्हीं में रूपांतरण के कारण क्या बनी है बच्चों? पीनियलोसाइट्स कोशिकाएं बनी हैं। तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स के रूपांतरण से बनने वाली कोशिकाएं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है बच्चों? तो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हमारे पास न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। जो अच्छा, ये जो कोशिकाएं मैंने येलो कलर से बनाई बच्चों, पीले कलर से, इन कोशिकाओं को कहते हैं हम न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बच्चों? न्यूरोग्लियल सेल्स। और ये क्या है बच्चों? इनका दूसरा नाम भी है बच्चों, अंतराली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बच्चों? अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये क्या करती हैं बच्चों? सहारा देने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये क्या है बच्चों? सहारा देने वाली। ये क्या करेंगे बच्चों? सहारा प्रदान करेंगे। अब ये न्यूरॉन्स हैं तो सारा स्त्रवण का काम कौन करेंगे बच्चों? पीनियलोसाइट्स काम करेंगे। जो हार्मोन निकाला जाएगा, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो इसके द्वारा जो हार्मोन है वो आगे आ रहा है। कौन सा हार्मोन स्त्रवण होगा? मेलेटोनिन या मेलेटोनिन हार्मोन का जो स्त्रवण होगा। तो ये जो स्त्रवण किया जाएगा वो वास्तव में किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? पीनियलोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं, और पीनियलोसाइट्स कोशिकाएं जो है वो किसके रूपांतरण से बनती हैं? तो ये न्यूरॉन्स के यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती हैं। तो दो प्रकार के सेल्स हैं बच्चों। ठीक, यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं स्त्रावित हार्मोन। तो ये जो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, ये किस हार्मोन का स्त्रवण करती है बच्चों? तो ये करती है मेलेटोनिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का बच्चों? मेलेटोनिन हार्मोन का। और ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल से संश्लेषित होता है। ये किससे मिलकर बनता है बच्चों? ये बनता है ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन क्या है? एक हमारा एमिनो एसिड है, एमिनो अम्ल है। कौन? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन के व्युत्पन्न है कौन? मेलेटोनिन नामक हार्मोन। अभी ट्रिप्टोफैन वगैरह क्या है बच्चों? तो हमारी बॉडी में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। उनका एक उदाहरण है
ट्रिप्टोफैन। हम आगे हम जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम चर्चा करेंगे कि 20 प्रकार के कौन कौन से हैं, सेरीन, वैलिन, ऐसे 20 प्रकार के हैं ना, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, धीरे धीरे नाम याद हो जाते हैं बच्चों। अब देखिए ये तो हो गई उसकी स्थिति कहाँ है, मस्तिष्क में स्थित है, स्रावित हार्मोन कौन सा है तो मेलेटोनिन है, कितने प्रकार की कोशिकाएं, संरचना कैसी है तो कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, एक तो क्या है अपने पास जो न्यूरॉन्स हैं उनके रूपांतरण से बनी है पीनियलोसाइट्स, और ये सहारा देने वाली कोशिकाएं न्यूरोग्लियल सेल। और याद करो बच्चों हमारे मस्तिष्क में भी क्या है कि दो प्रकार की कोशिकाएं, एक तो होती है न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, तो आपको वहां भी पढ़ने को ये मिलेगा। कार्य की बात करते हैं बच्चों, ये जो पीनियल ग्रंथि है वो क्या करती है, दैनिक लय यानी कि 24 घंटे का नियमन करती है। 24 घंटे का नियमन करने का मतलब यह है कौन से टाइम पर, जैसे हम कभी कभी हम कहीं नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक हमारी नींद 5 या 6 बजे के आसपास ऑटोमेटिक वहाँ पर नींद हमारी खुल जाती है, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है बच्चों, ये काम करती है हमारी पीनियल ग्रंथि, यानी कि इसे हम जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी है। हमें कैसे पता चला कि 5 या 6 बज चुके हैं बिना टाइम देखे, हम वहाँ पर जाने के बाद कहीं नए स्थान पर जाने के बाद ऑटोमेटिक जाग जाते हैं, तो ये घड़ी के रूप में काम करती है कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो ये क्या करती है, दैनिक लय हाँ यानी कि हम जो 24 घंटे में क्रिया काम करते हैं उनका नियमन करती है, और इसे जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम तो सोने जागने के चक्र का और शरीर के तापमान का नियंत्रण, बच्चों शरीर के तापमान का नियंत्रण ये आपको NCERT में दे रखा है, NCERT। अब देखिए बच्चों ताप जो नियमन की वाली बात है उसको आप ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि ताप नियमन जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि बच्चों, हाइपोथैलेमस, ये ग्रंथि भी क्या करती है बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और अगर हम बात करें, ये तो ग्रंथि है, और अगर पूछा जाए हार्मोन कौन सा काम करता है इसमें, तो हम कहेंगे मेलेटोनिन। क्या कहेंगे बच्चों, मेलेटोनिन। अब ये NCERT में दे रखा है तो हमें याद करना ही है कि शरीर के तापमान का नियमन कौन करेगा, कौन सा हार्मोन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेलेटोनिन। दूसरा उपापचय, उपापचय को कहते हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म यानी अपचय प्लस उपचय यानी कि निर्माण की और विघटन की, बनने की और टूटने की दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं, उसको हम कहते हैं उपापचय। वर्णकता बोले तो पिगमेंटेशन यानी कि किसमें कलर, वर्णक का मतलब होता है, वर्णकता का मतलब होता है पिगमेंटेशन, बोले तो कलर, जिसमें ज्यादा पिगमेंट्स उतना डार्क कलर। मासिक चक्र बोले तो आर्तव चक्र, और प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करना, यानी कि ये जो पीनियल ग्रंथि है ये हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। और लेकिन प्रतिरक्षा बनाए रखने में जो मुख्य हार्मोन काम करता है, मुख्य जो ग्रंथि काम करती है, ग्रंथि का नाम हो जाएगा बच्चों थाइमस ग्रंथि, जो हम अगले वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करने में कौन सी ग्रंथि काम कर रही है, पीनियल। मासिक चक्र को प्रभावित करती है, उपापचय वर्णकता को प्रभावित करती है, ठीक है बच्चों। ये दूसरी बार ये वर्णकता के लिए अलग से लाइन भी है कि यह त्वचा के रंग को कम करता है, क्या करता है बच्चों, कम करता है, त्वचा की वर्णकता जो है, त्वचा का रंग जो है उसको, जो कलर है त्वचा का डार्क है लाइट है उसको कम करता है, रंग को क्या करेगा, कम रंग को कम करने का मतलब है उसको डार्क बनाएगा। और ये क्या कर रहा था बच्चों, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये त्वचा के रंग को बढ़ाता है यानी कि लाइट करता है, लेकिन ये क्या करता है डार्क, तो ये MSH का क्या हो गया बच्चों, विरोधी। स्तनियों में जननांगों का विकास का और उनके कार्यों का अवरोधन करता है, यानी जो स्तनधारी प्राणी है बच्चों उनमें जननांगों के विकास का और उनके कार्यों का अवरोधन करता है, मतलब उनकी क्रियाशीलता को क्या करता है, कम करता है, कौन, पीनियल ग्रंथि। हार्मोन कहें तो मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है बच्चों, स्तनधारी जो हैं उनके जननांगों के विकास को और उनकी जो क्रियाशीलता है उनके कार्यों को अवरोधित करता है यानी कि डाउन करता है, ठीक है बच्चों। ये कार्य हैं, आपको इनमें से याद क्या करना है, एक तो जैविक घड़ी हमें ऑलरेडी याद रहता है, एक तो तापमान का जो नियमन है, मैं पेन अलग कर देता हूँ बच्चों, एक तो आपको याद रखना है शरीर के तापमान का नियमन, दूसरा आपको याद रखना है प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करना, और दोनों ये काम याद रखने हैं कि त्वचा की वर्णकता को कम करता है और जननांगों का क्या करता है, अवरोधन करता है। तो आपको ये 3-4 जो मैंने अंडरलाइन किया है, तापमान, प्रतिरक्षा, जननांगों का अवरोधन और त्वचा के रंग को कम करना, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं इसमें, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अगला पेज
चलिए बच्चों, अब देखिए ये तो हमारी एनसीईआरटी जो थी वो खत्म हो गई है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा के भी बताऊंगा, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, लाया हूँ आज पीनियल ग्रंथि को, लेकिन हम इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट और देखते हैं बच्चों, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसके बारे में। मैं येलो कलर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें दिखाई बढ़िया देता है। पहला पॉइंट का कह रहा है देखिए बच्चों, यह रात्रि में यानी कि अंधेरे में अधिक और दिन में यानी कि तेज प्रकाश में कम स्त्रावित होता है। मतलब जब तेज धूप है तो तेज धूप में यानी कि दिन के समय यानी तेज प्रकाश में ये क्या होगा बच्चों, कम क्या होगा, स्त्रावित होगा। और जब अंधेरा हो, अंधेरा होगा तो ये अधिक मात्रा में क्या करेगा, स्त्रावित होता है। दिन में होगा ये कम, तो आप तो क्या करेंगे, दिन में कम, दो अक्षर का नाम है और कम भी कितने अक्षर का बच्चों, दिन बोले तो कम। दिन में जो मेलेटोनिन हार्मोन है, जो पीनियल ग्रंथि है, वो क्या होगा, मेलेटोनिन हार्मोन कम निकलेगा, दिन कम, ठीक है बच्चों। अंधेरा ज्यादा, अंधेरे में तीन अक्षर, तो यहाँ भी ढाई है पर तीन याद कर लेके चले इसको, ठीक है बच्चों। तो दिन में तो निकलेगा जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो कम, और रात्रि के समय निकलेगा वो ज्यादा। दूसरा पॉइंट, तीव्र सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में, अब देखो तेज धूप है तो मेलेटोनिन क्या निकलेगा बच्चों, कम। तेज धूप है तो मेलेटोनिन क्या है, कम, यानी कि दिन है तो मेलेटोनिन निकलेगा कम। तो यहां पर उसी को पॉइंट बनाकर एक और लाइन हमारी एनसीईआरटी से बाहर लिखी हुई है, क्या है कि तीव्र सूर्य के प्रकाश के क्षेत्र में रहने वाले बच्चों में, यानी कि जो ज्यादा तेज धूप वाले एरिया में रहते हैं, और अंधे बच्चों में यौवनारंभ शीघ्र आ जाती है, यौवनारंभ शीघ्र आ जाती है। क्योंकि बच्चों पिछले लेक्चर, पिछले पेज पर, पिछले स्लाइड पर हमने क्या देखा था कि ये क्या करता है, जननांगों का अवरोधन करता है, और जब ये कम निकलेगा तो अवरोधन कम होगा, तो मतलब तेजी से क्या होगी, यौवनारंभ शीघ्रता से प्रारंभ होगा। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, क्या कहा है कि तीव्र सूर्य के प्रकाश के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में और अंधे बच्चों में यौवनारंभ शीघ्र आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि मेलेटोनिन का कम स्त्रवण होता है। मेलेटोनिन का क्या होता है बच्चों, कम स्त्रवण, क्योंकि तेज धूप में यानी कि दिन के समय ये क्या निकलेगा, कम, और कम निकलेगा तो, और जब अवरोध नहीं होगा तो क्या होगा, यौवनारंभ जल्दी आएगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं बच्चों कि मानव में जो पीनियल ग्रंथि है वो लगभग 7 या 8 वर्ष की आयु में नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। ये भी एनसीईआरटी से, ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों एनसीईआरटी है उसमें नहीं है। तो मानव जो है उसमें पीनियल ग्रंथि जो है, काय का मतलब ग्रंथि है, काय का मतलब बॉडी यानी कि शरीर, तो मानव में जो पीनियल ग्रंथि है लगभग 7 या 8 वर्ष की आयु में नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, प्रारंभ हो जाती है। और 14 वर्ष की आयु में इसमें अंतराली ऊतक क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अभी मैं तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बच्चों, एक तो होती हैं अपने पास पीनियलोसाइट्स, कौन सी बच्चों, पीनियलोसाइट्स होती हैं, और दूसरी प्रकार की जो हमने कोशिकाएं अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं बच्चों, कुछ समय बाद नष्ट होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये कहा है कि मानव में पीनियल जो ग्रंथि है वो 7-8 वर्ष की आयु में नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, और जब मानव 14 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो इसमें से जो अंतराली ऊतक है, कौन सा ऊतक, अंतराली, या इसको कहा था हमने न्यूरोग्लियल सेल्स, वो अंतराली ऊतक जो है वो नष्ट हो जाता है, यानी ये कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं, जिससे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट जमना शुरू हो जाएगा बच्चों, और एक हो जाएगा इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम फॉस्फेट, जो दोनों रसायन हैं, केमिकल्स हैं, वो कण जमा हो जाते हैं, यानी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, जमना शुरू हो जाएंगे। और जिन्हें अब ये कण होते हैं रेत जैसे होते हैं, इसलिए इनको ब्रेन सैंड यानी कि ब्रेन यानी मस्तिष्क की रेत, या मस्तिष्क की रेत, और या फिर इनको कहते हैं सामोमा काय, समोसा नहीं है बच्चों, सामोमा काय, सामोमा बॉडीज कहते हैं, और इसको कोपोरा अर्नेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोपोरा अर्नेशिया भी कहते हैं। एनसीईआरटी से बाहर के पॉइंट हैं, याद हो जाएं तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। हालांकि अब देखिए आपको ये और ये याद रह जाएगा, बाकी पीनियल जो ग्रंथि है वो 14 वर्ष की आयु के साथ साथ उसमें जो अंतराली ऊतक होने, 14 बहुत फेवरेट टाइम होता है, 14 जो तारीख है वो बहुत खतरनाक है बच्चों, मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे खतरनाक है 14 तारीख में, ऐसा क्या है, 14वें दिन क्या है, क्या नहीं होता है, वो आगे हम सीखेंगे। तो क्या कहा, 7 से 8 से प्रारंभ होना, नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है।
और 14 की उम्र में क्या होता है, अंतराली ऊतक नष्ट हो जाता है और इस अंतराली ऊतक की जगह गैप बन जाएंगे तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जमा होने लग जाएगा और जमा होने लग जाएगा तो वो रेत बन जाएगी, कंकड़ हैं, दाने हैं, तो उनको ब्रेन सैंड, मस्तिष्क की रेत, सामोमा काय और या फिर कोपोरा अर्निशिया भी कहते हैं। बच्चों ये है हमारे पास कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अब मैं आपको इसी ग्रंथि को एनसीईआरटी से भी पढ़ के सुना देता हूं बच्चों, ठीक है, ये लीजिए बच्चों। जितना साफ आना चाहिए तो उतना आया नहीं है बच्चों, ठीक है, फिर भी क्योंकि बैकग्राउंड क्या है, वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है। देखिए पीनियल ग्रंथि आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्या कह रहा है बच्चों कि जो पीनियल ग्रंथि है, देखिए अभी हमने देखा बच्चों उदाहरण के लिए क्या है कि सोने जागने के चक्र का शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, सोने जागने के चक्र को शरीर के तापक्रम को, ये देखिए बच्चों एनसीईआरटी में दे रखा है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलेटोनिन क्या करता है, उपापचय, वर्णकता यानी पिगमेंटेशन, मासिक चक्र यानी कि आर्तव चक्र और प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो चार ही तो काम है बच्चों, हैं कितने काम है, चार। पहला क्या लिखा हमने, दैनिक लय। दूसरा दैनिक लय में हमने देख लिया सोने जागने के, दूसरा याद करें हम शरीर के तापक्रम, दैनिक लय शरीर का तापक्रम, तीसरा है अपने पास प्रतिरक्षा और चौथा आप रखें वर्णकता। बस चार काम, बस इतनी सी है हमारी एनसीईआरटी में और ये लिखा भी है एनसीईआरटी सार, हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें केवल और केवल इतनी सी नॉलेज दे रखी है। तो ये है बच्चों हमारे पास पीनियल ग्रंथि। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों थायरॉयड ग्रंथि को, कौन सी ग्रंथि, थायरॉयड ग्लैंड की हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों पैराथायरॉयड ग्रंथि की। तो 5-7 ग्रंथियां और बची हुई हैं, 5-7 वीडियो आएंगे उसमें सारी की सारी ग्रंथियां और सारा का सारा जो चैप्टर है वो इसमें कवर हो जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे विद्यार्थियों के साथ हमारी जो वीडियो हैं उनको शेयर करें और इसी प्रकार हमें अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।